हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आजकल हम लोग काफी सारे वायरलेस कीबोर्ड माउस यूज करते हैं। नॉर्मली अगर आपका पीसी है, डेस्कटॉप है, तो उसके साथ हम वायरलेस कीबोर्ड माउस लगाते हैं। और आजकल बहुत सारे कीबोर्ड और माउस आपको ब्लूटूथ भी मिलते हैं, आपको ब्लूटूथ के साथ पेयरिंग करना पड़ता है। वायरलेस में आपको एक डोंगल मिलता है, वो आप जिसके साथ भी डोंगल लगा दो उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है इजिली और आप उसको यूज कर सकते हो। आज के डेट के लोगों के पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, मतलब डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, इनफैक्ट टैबलेट्स है बहुत सारे, आईपैड हो या फिर एंड्रॉयड का, तो ये सब अलग अलग डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए अगर आपके पास एक ही कीबोर्ड और माउस हो तो बहुत ही काम आसान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड और माउस आते हैं जो एट ए टाइम एटलीस्ट 3 डिवाइसेस को कनेक्ट हो ही जाते हैं। आपको ऐसे बहुत सारी कंपनियों को मिलते हैं, जैसे लॉजिटेक बहुत फेमस कंपनी इस मामले में। तो ऐसे कुछ कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो मेरे हाथ में आया है, जो कि एक आई क्लेवर करके कंपनी है। इसलिए आपने कंपनी नहीं सुना रहेगा, मैंने ही फर्स्ट टाइम सुना है। इसके में सबसे पहले प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको कीबोर्ड माउस ये मिल जाता है 3500 में, और ये एट ए टाइम 3 डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। मतलब आप 3 डिवाइसेस को एक ही कीबोर्ड और माउस से आप यूज कर सकते हो। तो प्राइसिंग को देखते मुझे लगता है ये काफी डिसेंट प्राइसिंग है, काफी अच्छा प्राइसिंग है। मतलब इससे भी महंगे महंगे आपको मिल जाते हैं, और 3 डिवाइसेस को कनेक्ट हो रहा है, मुझे लगता है मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा चाहिए तो और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो मुझे कीबोर्ड काफी पसंद आया, इसका डिजाइन काफी पसंद आया। इनफैक्ट एल्यूमिनियम अलॉय के साथ बना हुआ है, तो ये पूरा प्लास्टिक नहीं है। इनफैक्ट माउस प्लास्टिक है, लेकिन फिर भी आप माउस को देखोगे काफी अच्छा माउस है। मतलब बिल्ड क्वालिटी मुझे सही लगी इसकी, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लगी कीबोर्ड माउस दोनों की। और कीबोर्ड काफी स्लीक, काफी पतला है, काफी हल्का भी है। आपको 2 कलर में मिल जाता है, ब्लैक और ग्रे। ये मेरे पास ब्लैक कलर में है। अब इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जैसे बताया कि आपको ये 3 डिवाइसेस एट ए टाइम कनेक्ट हो जाता है, तो ये 2 डिवाइसेस के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है। मतलब आपके डिवाइस में ब्लूटूथ है, जैसे कि आपके लैपटॉप में हो या फिर एंड्रॉयड या फिर कोई आईपैड या टैबलेट्स है उसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाता है। तीसरा, ये वायरलेस कनेक्ट होता है एक डोंगल के साथ। जैसे आपको मैंने बताया कि आपको एक वायरलेस कीबोर्ड माउस मिलता है और एक ब्लूटूथ मिलता है, दोनों में डिफरेंस है। वायरलेस में एक डोंगल होता है जो कि 2.4 हर्ट्ज से वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है, और ब्लूटूथ में ब्लूटूथ के वाया वो कम्युनिकेट करता है। तो इसके दोनों ऑप्शन दिया है, तो 2 डिवाइसेस को ब्लूटूथ और 1 डिवाइस से ये वायरलेस कनेक्ट हो जाता है, तो 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है। और इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये सारे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है, मतलब आपका मैक हो या आपको विंडोज हो उसके साथ डेफिनेटली हो जाता है। इनफैक्ट एंड्रॉयड टैबलेट के साथ भी हो जाता है, आईपैड के साथ भी हो जाता है, आपके मोबाइल अगर एंड्रॉइड मोबाइल है या फिर iOS में आईफोन है उसके साथ भी, मतलब हर एक डिवाइस के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि मैक का जो कीबोर्ड का फंक्शन है थोड़ा सा शॉर्टकट कीज थोड़े अलग होते हैं और विंडोज के थोड़े अलग होते हैं, तो कीबोर्ड एक ही है, दोनों के साथ कनेक्ट हो रहा है तो दोनों का शॉर्टकट अलग रहेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे उसका भी उन्होंने ऑप्शन दे दिया, मतलब यहाँ पे आपको एक मैक और विंडोज का ऑप्शन दिखेगा। मतलब फंक्शन की और मैक क्लिक करोगे तो ये इसका जो फंक्शनैलिटी है वो मैक की तरह हो जाएगा, और वैसे ही फंक्शन प्लस विंडोज की, मतलब वो विन पे क्लिक करोगे तो ये आपका एज ए विंडोज कीबोर्ड की तरह काम करेगा। तो मैं बोला कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं, कनेक्टिविटी बहुत सुपर इसका इमीडिएटली हो जाता है। और इससे फायदा क्या कि आपके पास बहुत सारे कीबोर्ड माउस रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक ही जगह पे सारे डिवाइसेस रखे तो एक ही कीबोर्ड माउस से आपके सारे कनेक्ट हो जाते हैं। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूँ, बटन्स की बात करूँ तो काफ़ी सही बटन्स हैं, मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। ये फुल साइज कीबोर्ड आता है आपका प्रॉपर, जैसे आपको कीबोर्ड मिलता है। बटन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस देता है टाइपिंग में। तो यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, जैसे कि यहाँ पे ब्लूटूथ 1, ब्लूटूथ 2 और 2.4G दिया, मतलब वो वायरलेस तो कनेक्ट होता है। तो जैसे आपको बटन प्रेस करोगे उसके साथ वो इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है। वैसे ही माउस की बात करो तो माउस में वो नीचे के साइड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको वो बटन प्रेस करना है और आपको वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है वो आपको यहाँ पे बता देगा। तो माउस के लिए सिर्फ है कि थोड़ा सा आपको ऐसा नीचे उठा के प्रेस करना पड़ेगा, बट कीबोर्ड पे तो डायरेक्टली ऊपर ही बटन है। जैसे ही मैं यहाँ पे अभी किसके साथ क्या कनेक्ट किया वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने मैक मिनी के साथ नंबर 1 पे ब्लूटूथ 1 पे कनेक्ट किया है, एंड्रॉइड टैबलेट के साथ ब्लूटूथ 2 पे किया है, और ये लैपटॉप के साथ मैंने यहाँ पे 2.4G में मतलब वायरलेस कनेक्ट किया है। तो जैसे ही मैं ब्लूटूथ 1 पे क्लिक करूँ तो इमीडिएटली वो मैक के साथ कनेक्ट हो जाता है, मतलब विद इन सेकेंड्स में कनेक्ट हो जाता है, मतलब ऐसा वेट करने की जरूरत ही नहीं, इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही ब्लूटूथ 2 पे कनेक्ट करूँगा वो मेरे एंड्रॉइड टैबलेट के साथ कनेक्ट हो रहा है, जैसे मैंने वो वायरलेस 2.0 पे कनेक्ट किया तो इमीडिएटली वो अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो कनेक्टिविटी मुझे बहुत सुपर लगी, सिमलेस कनेक्टिविटी, इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे सेम माउस के साथ भी इमीडिएटली कनेक्ट होता है, कुछ भी टाइम नहीं लगाता है ये, तो ये बहुत सही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है।
तो ये मुझे काफी इंप्रेसिव लगा है। इसके और आगे की बात करूं तो यहाँ पे एक और चीज जो मुझे अच्छा लगा है कि यहाँ पे आपके वो डबल ए ट्रिपल ए बैटरीज नहीं है, मतलब आपको बैटरीज चेंज करने का झंझट नहीं है। ये दोनों के दोनों चार्ज होते हैं और सबसे बढ़िया बात है टाइप सी के साथ चार्ज होते हैं। मतलब आपको पता है आजकल सारे फोन स्पेशली एंड्रॉयड फोन सब टाइप सी आते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी घर पे टाइप सी का केबल तो रहेगा ही, चार्जिंग रहता ही है। हाँ, कि इसके साथ भी आपको मिल जाता है, बट इन केस अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर घर पे आपने ऑलरेडी एक वायर लगा हुआ है तो आपको बहुत सारे वायर्स नहीं लगाने, तो एक ही वायर के साथ आपके फोन भी चार्ज हो रहे हैं और आपके कीबोर्ड माउस भी चार्ज हो रहे हैं। तो इसकी बैटरी का अगर बात करूँ तो अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ इसकी कंपनी के, तो वहाँ पे उन्होंने 90 आवर्स कंटिन्यूस को बोला हुआ यूज़ कर सकते हो, मतलब 90 आवर्स तक ये चलेगा कंटिन्यूस। वो भी 90 आवर्स बोलो तो ऑलमोस्ट 4 डेज, मतलब 4 दिन के लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा है, स्टैंड बाय मोड है। मतलब कि अगर आप कीबोर्ड माउस नहीं यूज़ करो तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब वो स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा, मतलब बैटरी यहाँ पे बचाएगा। और जैसे आपको यूज़ करना रहेगा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कीबोर्ड पे एक बटन प्रेस कीजिए वो वेक हो जाएगा और माउस को थोड़ा सा आप शेक कीजिए वो भी वेक हो जाएगा, कुछ भी ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं यहाँ पे। तो ये फीचर मुझे काफ़ी पसंद आया है, तो इससे बैटरी आपकी और बचेगी। तो इसके फीचर्स काफ़ी सारे मुझे पसंद आए, जैसे मैंने बोला डिज़ाइन तो मुझे पसंद आया ही, टाइप सी चार्जिंग दे दिया है, स्टैंड बाय मोड दे दिया है, प्लस आपको ये एक्स्ट्रा ऊपर उन्होंने कवर आपको मिल जाता है तो वो आपका कीबोर्ड को बचाता है, मतलब उसके अंदर जो धूल मिट्टी है वो जाने के चांसेस कम रहते हैं, तो ये आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इसका अलग से कीबोर्ड अलग से माउस भी ले सकते हो, बट वो एक्सपेंसिव है, मैंने देखा था। आपको अगर अलग से कीबोर्ड लेना आई सपोज वो कुछ 2.5-2.5 हज़ार के ऊपर है, और माउस जो है वो कुछ 1600-1700 में जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 4000 के ऊपर जाता है, बट आप एक साथ कॉम्बो में ले रहे हो तो आपको 3500 में मिल रहा है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। और मैं इस डिवाइस से काफ़ी खुश हूँ, मतलब अगर मैं आपको किसी को रेकमेंड करना चाहूँगा तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। अगर आप ऐसे कोई डिवाइस देख रहे हो जो एक ही कीबोर्ड माउस आपके अलग अलग डिवाइसेस में कनेक्ट हो जाए तो आप ये डेफिनेटली चेक कर सकते हो। तो मुझे भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मुझे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो मैं जल्दी मिलूंगा अपने न्यू वीडियो के साथ और एक न्यू प्रोडक्ट के साथ।